वाह मायरा ने तो सब कुछ फ्लैग वाला पहना है अली अली देखे, देखे।, देखे। दो दो फ्लैग कह रही दो दो फ्लैग अब्बा को पे तैयार कर दिया <laughs> बंदे बंदे मात्रा <laughs> थोड़ा इधर ही लाइट आ रही है <laughs> बंदे मात्रा बंदे <laughs> चाइन तो यहाँ नान उठ चुके हैं यहाँ बैठे हुए हैं और आज आपको दिखाती हूँ आंगन तो कल आंगन की सफ़ाई हो गई थी पूरी घास वगैरह जो थी वो निकल गई थी और ये वाला कारपेट भी धुल गया था कल ही ये अभी सूखा नहीं है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा बादल बादल वाला हो रहा है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है और यहाँ देखिए कुछ प्लांट मैंने यहाँ रखवा दिए थे ये एक दो तो, और ये तीन तीन प्लांट मैंने ऐसे यहाँ रखवा दिए थे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं थोड़ा सा लुक चेंज हो गया तो अच्छा लग रहा है और माहिर को फिर से थोड़ा सा कोल्ड हो गया है लेकिन माहिर पानी में इतना ज़्यादा गीली होती है इतना ज़्यादा किचन में जाती हैं तो भीग जाती हैं अम्मी के रूम में जाती हैं वहाँ बेसिन लगा हुआ है तो वहाँ गीली हो जाती हैं बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हैं फ़िलहाल मौसम अल्लाह का शुक्र है आज अच्छा है अस्सलाम वालेकुम फ़्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं तो यहाँ किचन में मैं आई हूँ माह के लिए ये एग बनाने क्योंकि माहरा को गया है कोल्ड और माहिर कुछ भी नहीं खा रही हैं माह भूखी हुई हैं तो मैंने सोचा माहरा के लिए मैं ये बना लेती हूँ माहरा थोड़ा सा ये खा भी लेती हैं वरना तो इसके अलावा माह बॉयल वग़ैरह वा वाले अंडे भी नहीं खाती हैं ज़्यादा तो तो शौक से और यहाँ पे बस ये इसमें से जो वाइट पार्ट है वो खाएंगी और येलो वाला छोड़ देंगी और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी उनको अपना थोड़ा सा बीपी लो लग रहा था तो यहाँ मैंने उनके लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना दी है और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में और आज किचन में मैं बनाने जा रही हूँ करेले प्याज बहुत ही अच्छे बहुत ही टेस्टी बनेंगे खट्टे मीठे और और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने आज सोचा करेले प्याज बना लेती हूँ तो उसके लिए सबसे मैंने सबसे पहले मैंने छः सात प्याज काट ली है इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है क्योंकि और तो इतने मसाले डलते नहीं हैं तो ज़्यादा प्याज का ही यूज़ होता है तो यहाँ पर प्याज मैंने काट ली है और उसके बाद मैंने करेले छील के अच्छे से नमक के पानी में भिगो दिए थे और उनको मैंने निकाल लिया है छान लिया उनका पानी और उनको वॉश कर लिया था एक सादे पानी से एक बार और तो यहाँ पर ये यह मैंने करेले ले, ले लिए अब डालेंगे इसमें पाउडर मसाले तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर के हल्दी ले ली है और अब इसमें डालूँगी मैं पिसी हुई मिर्च 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 आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा कम या ज़्यादा और यहाँ पर पिसी मिर्च हो गई हल्दी हो गई और अब बारी है यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी नमक वो भी आप टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा आपने कम या ज़्यादा डालेंगे यहाँ पर धनिया धनिया जो है मेरे पास कुटा हुआ धनिया है मैं इसको कूट के थोड़ा सा मतलब हल्के से ग्राइंडर में पीस के दर दरा सा रख लेती हूँ यहाँ पर मैंने तीन चम्मच धनिया डाला है और और यहाँ पर मैंने डाली है सॉफ्ट सॉफ्ट भी मेरे पास दरदरी कुटी हुई है तो यहाँ पर डेढ़ चम्मच मैंने सौफ ली है और बस अब इन सारे मसालों को हमें मिक्स करना है तो यहाँ पर इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर मैंने इसको मिक्स किया मिक्स करने के बाद मुझे इसमें हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी आधा चम्मच के करीब हल्दी और मिला दी है तो चम्मच से तो मिक्स हो नहीं पा रहा था फ़िलहाल यहाँ मैंने अपने हाथों का यूज़ किया है आप लोग भी हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसके बाद रखी मैंने गैस पर कढ़ाई और कढ़ाई में डालूँगी मैं ऑयल ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है और यहाँ पर मैंने इसी प्याज में से थोड़ी सी प्याज अलग निकाल ली थी इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी पहले ऑयल में इसको हल्के से फ्राई करेंगे और इसको हाथों से मैं थोड़ा सा मसल रही हूँ ताकि थोड़ा अलग अलग हो जाए यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया है माहरा थोड़ा सा परेशान कर रही करेंगे तो पहले मैं यहाँ पर मायरा को थोड़े से चिप्स फ्राई करके दूंगी ताकि मायरा को थोड़ी देर के लिए चुप होकर बैठ जाए मैं अपनी रेसिपी पूरी कंटिन्यू कर पाऊँ के चिप्स तो हो गए फ्राई हो दिया ही हूँ मैं उनको रूम में और यहाँ मैंने प्याज डाल दी ऑयल में अब इसको करेंगे अच्छे से फ़्राई बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा इसको फ्राई करना है प्याज़ हमारी देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है बस इतनी ही फ्राई करनी है और यहाँ पर डाला है ज़ीरा ज़ीरा भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई करूँगी और यहाँ पर देखिए हमारा ज़ीरा भी फ्राई हो गया प्याज़ भी फ्राई हो गई तो बस अब इसमें जो हमने प्याज़ और करेले में मसाले वगैरह लगा के रखे थे सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स तो यहाँ पर करेले प्याज हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये जो है अच्छे से गल जाए आधा घंटा हो चुका है तो बीच में मैंने एक दो बार इसमें चम्मच चला दिया था ये देखिए इसका पानी भी ड्राई हो गया है और ये गल भी गई है तो इसको अच्छे से एक बार चम्मच चला देंगे यहाँ पर और अब बारी है इसमें कुछ सामान और ऐड करना है दो चीज़ें मैं इसमें और ऐड करूँगी जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा तो यहाँ पर ऐड करूँगी मैं नींबू मैं यहाँ पर पूरा नींबू डालूँगी इसमें बहुत अच्छे से इसकी खटास आएगी क्योंकि करेले थोड़ा सा कड़वा लगता है खाने में लेकिन यहाँ जब हम नींबू ऐड कर देंगे तो हल्का सा खट्टा हो जाएगा और डालूँगी मैं इसमें डेढ़ चम्मच के करीब शक्कर तो खट्टा मीठा जो इसका टेस्ट आता है वही इस करेले प्याज की समझिए जान है क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे करेले बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे खट्टा मीठा और ये प्याज का फ्लेवर सब चीज़ें मिलके जब इसमें बहुत जब सब ये चीज़ें इसमें मिल जाती हैं तो इन सब का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखिए करेला गल भी गया है बिल्कुल मैंने कुकर में बिल्कुल भी नहीं बनाया बस कढ़ाई में ही बनाया है इसको लो फ्लेम पे आपको बिल्कुल छोड़ देना है अभी मैं 10 मिनट के लिए इसको और छोड़ूंगी ताकि ये और अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पर हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं तो बस अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ कि देखिए बन के कुछ इस तरीके से रेडी हुए हैं खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के थे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी बनते रहते हैं और आप लोग भी ट्राई करिएगा और मैसेज करके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे बने तो बस ये था मेरा आज का वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलों इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ अल्लाह